मेरा नाम सीताराम है। क्या विवाद हुआ आज, किस चीज़ को लेकर? मेरा कल तभी वो है, पता है क्या, जैसे बॉडी छोड़ने जाता तो ज़्यादा पैसे लेता है, यहाँ कुछ बताता है वहाँ ज़्यादा ले आता है, कईयों से ले आया भी है पहले, और फिर उन्होंने कई तो ले गए बाकी नहीं ले गए, और मेरा भी वो मेरे को कहता भी तू कम पैसे मत लिया कर, मैं भी एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, जबकि वो अनपढ़ है, गुठा छाप है और कार जीप का उसके पास लाइसेंस है, और उसने कई बार गाड़ियां ठोक चुका है, और उसका उसके सारे कागज़ और उसका लाइसेंस जब्त भी पड़ा है। वो वहाँ पे भिवानी गाड़ी ले गया था, आती दफ़ा उसने एक आदमी को उड़ा के और यहाँ पे ले आया, और चार दिन बाद में पुलिस वाले उसको वहाँ पे गाड़ी बुलाई और उसको थाने में एडमिट वहाँ पे कराया, तो इसको फिर वो केस चल रहा है। और ये है ना, नशा करता है, इसका चाहे वो टेस्ट करा लें, पोस्त खाता है और दारू पीता है और नशे में करता है, अभी भी मेरे साथ आती है ना, इसने लड़ाई की है और बोला तू कम रेट में क्यों जाता है, इसी बात को विवाद था। मैंने उसको कल कहा था भी चल मैं गोडी के मामले में या कोई भी यहाँ से गरीब एक रत्ते खेड़े की बुड्ढी लुगाई है, मैं उसको तेल खर्चे में छोड़ के आया था, तो मेरे पास भी इतनी पूंजी नहीं है कि मैं अपने पल्ले से लगाऊं, या मैं कोई भी किसी से पैसा नहीं लेता, मैंने एम्बुलेंस इसलिए लगाई भी किसी गरीब की मदद कर दूँ, और उसको इसी चीज़ से विवाद है, इसीलिए मेरे को आया रात ही मारने लग गए वो, जैसे मेरे मुंह पे अटैक किया ना तो मेरे उसके बाद में होश नहीं रहा, मेरे को यहाँ के हॉस्पिटल के ही लेके गए थे अंदर। अकेला ही था या साथ में? मैं तो अकेले उसके साथ थे जी, पर मैं जैसे ही उसने आते ही मुंह पे अटैक किया ना, उसके बाद में मेरे को कुछ नहीं रहा होश, और मेरे को ब्लड और कान से ही ब्लड आ रहा है और नाक से भी, भाई जो भी मैंने जैसे भला करता हूँ ना तो उसका वो सोचा भी मैं अपनी गुंडागर्दी से, जबकि उसके पास ना तो लाइसेंस है और ना ही, जबकि पढ़ा लिखा होना चाहिए एम्बुलेंस चलाने वाला, वो नहीं है, चेक करवा लें बाकायदा रिकॉर्ड में देता हूँ मैं स्टाम्प पे, पुलिस कार्रवाई भी करे तो मैं तैयार हूँ, करें मेरा भी देख लें, मैं पढ़ा लिखा हूँ ए भी लाइसेंस है, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है, और उसकी एक गाड़ी तो दो नंबर में है, चेसी जो ये ख़त्म हो जाती है ना गाड़ी, उसने ठोक ठोक के ख़त्म कर दी एक जगह, तो वो जाके और दो नंबर की गाड़ी उसमें प्लेट वो चेसी काट के लगाई हुई है डेंटर से लगाई, तो वो चोरी का केस बनता है, वो चेक कराएं मैं तैयार हूँ। किस चीज़ के साथ हमला किया गया था? उसने आते ही मुक्का के अंदर गुट्ठी गट्ठी लगाई, पता कैसे ऐसे मुंह पे मारा है, उसी में मेरे को चक्कर आ गया, और उसके बाद मेरे को पता नहीं कितना मारा, मेरे कान से भी खून निकल रहा है, नाक से भी और मुंह पे से। उसके भी मारी गई? मैं तो जैसे ही बैठा था ना एम्बुलेंस में आते ही, फिर मैंने अपना बीच बचाव जरूर ऐसे हाथ लगाने की, परंतु उसने जैसे मुँह पे मारता गया तो मेरे को उसके बाद महिला बताई जा रही है, महिला तो वो उसको भी मारने लगा, वो मेरे को छुड़ाने में लगी थी एकदम बीच में आई ना, तो उसको ही मारा है उसने, और मेरे को फिर उसने मारे हैं कर दिए आसपास, तो जैसे लोग अपने हॉस्पिटल में आते हैं वो तो थे ही, और वो लोग आई भी वो आगे काम पे जा रही थी तो उसने देखा ना मार रहे हैं, तो वही बीच बचाव में आई थी मेरे एक बार मेरे को, फिर उसने उसको लुगाई को मार के और मेरे अटैक किया उसके बाद में, मेरे यहाँ पे और यहाँ पे सिरों में ये कान में यहाँ पे भी मुक्के लगे हैं ना, तो उससे तो मेरे को जैसे ही आगे एकदम किया तो मैं बेहोश हो गया, तो उससे कार्रवाई किया जाता है, इसके जो भी चीज़ है मैं बता रहा हूँ उस पर कार्रवाई हो, ट्रैफिक रूम क्या कर रही है, ट्रैफिक रूम की पुलिस क्या कर रही है, जब वहाँ पे वो कह रहे हैं कि बच्चे इतने मर गए तब वो याद आ जाता है, पहले कोई कार्रवाई नहीं है, जबकि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो एम्बुलेंस का ड्राइवर कैसे। क्या नाम है आपका? राजेश है। क्या मामला हुआ, क्या विवाद हुआ? मैं यहाँ पे मेरा ड्राइवर था, मैं गाड़ी देने आया था, सामान लेके घर दुकान का सामान लेके जा रहा था, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल आया, उसने फ़ोन किया मेरे पास भाई गाड़ी दे जा और मैं सामान दूसरी गाड़ी में ले जाऊँगा, मैंने गाड़ी खड़ी करी है जी, मैंने उसको मैं उसको राम रमी भी करी है सीताराम को, उसने माँ बहनों की गाड़ी काटी मेरे को, पहले से एक लेडीज ले रखी थी, मेरे सारे कपड़े पड़वा दिए और मेरे हाथ पे मरवाई है, मेरे को लगे अब मैं मार खाऊं क्या, मैं मेरा हाथ ना उठे क्या बताओ, क्या क्या गाड़ी क्या चलाते हैं, क्या काम क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूं, मेरे पास आर्टिका है जी, गाड़ी एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस भी चलाता हूं आर्टिका भी चलाता हूं जी, ठीक है, सारे इकट्ठे रहते हैं, आज पता नहीं कैसे लड़ पड़ा, इतने साल हो गए हम कभी नहीं लड़े, और आज उसने लेडी चिपटवा दी मेरे, हैं विवाद किस चीज़ को था लेके? विवाद कुछ नहीं है, मेरे को गाड़ी काटी उसने, चाहे बाबू राम मोर्चरी के पास बाबू राम से पूछ लो आप, मेरे को बेफजूली गाड़ी काटी, थप्पड़ मारा मेरे को, थप्पड़ मारते फिर मैं क्यों सुनूंगा, फिर एक लेडी आई वो मेरे चिपट गई, फिर मैंने वही मारी उसको, मैं मेरा भी हाथ उठ गया, देखो झूठ नहीं बोलूँगा, जो बात है सही है,
फिर इसके बाद ये यहाँ पर्चा कटवा लिया जी, मैंने भी कटवा लिया। कोई सर में चोट बताई जा रही है कि उसके सर में चोट लगी? नहीं, सिर में मैंने कुछ भी नहीं मारा उसको, वहाँ वो गिर गया था जी। ठीक है, हाँ जी। तो आपकी कितनी चोट लगी है? मेरे ये हाथ पे लगे जी, ये देखो फिर चेहरे, पता नहीं क्या डंडा लगा और यहाँ पे थी जो उसके साथ आई थी वो पता नहीं जी कौन है, वो ड्राइवर जानते ही ये वाला, मैं जानता भी नहीं उसको कौन है। लेडीज वो मेरे चिपड़ गई, चाहे सारे आदमियों से पूछ लो ये गवाह। तो शिकायत दी है पुलिस को इस मामले को लेकर? मैंने तो पर्चा ही कटवाया जी, मैं कभी इन चक्करों में पड़ा ही नहीं जी। MLR कटवाई? हाँ जी। कपड़े वगैरह भी फाड़े गए हैं? हाँ जी, ये लेडीज चिपट गई जी मेरे, वो सारे कंटीन वाले फाड़े गए। हाँ, लेडीज नहीं फाड़े जी ये सारे। ठीक है। उसने पहले भी पता नहीं बुला रखी थी कैसे, तो मेरे को चिपटवा दी वो लेडीज, और सारे वो कंटीन वाले चाय वाले किसी से पूछ लो आप, वो लेडीज मेरे धक्के से चिपट गई।